वेलकम बैक टू चैनल गाइज, मेरा नाम है सुमित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक एयर प्योरीफायर के फिल्टर के बारे में कि इसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग प्यार तो बहुत दे रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो गाइज, अगर आप प्यार दे रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम नई नई वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो के दो पार्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा वो क्लीनिंग प्रोसेस का रहेगा और जो दूसरा पार्ट रहेगा उसके डिसमेंटल का रहेगा। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से सेंसर, कौन सी वायर, कौन सी लाइट, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसके मॉडल नंबर के बारे में। इसका जो मॉडल नंबर है VXM35A, इस मॉडल के अंदर तीन एयर फिल्टर्स आते हैं। सबसे पहला फिल्टर जो है हीपा फिल्टर, दूसरा जो है डिओडोराइजिंग फिल्टर जिसे हम कार्बन फिल्टर भी कहते हैं, तीसरा जो है ह्यूमिडिफाइंग फिल्टर। और अगर मैं बात करूं इसकी क्लीनिंग की तो गाइस, अगर जो कंपनी है, कंपनी जो बोलती है इसके फिल्टर को रिप्लेस करने के लिए, जो हीपा फिल्टर होता है वो एवरी 3 ईयर में हमें रिप्लेस करना होता है और जो डिओडोराइजिंग फिल्टर है उसको भी एवरी 3 ईयर्स में हमें रिप्लेस करना होता है और जो लास्ट है ह्यूमिडिफाइंग फिल्टर, इसको हमें 10 इयर्स के बाद चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू यूसेज। अगर आप हर दिन इसको 8 घंटे यूज़ कर रहे हैं तो आप 10 साल के बाद इसको चेंज कर सकते हैं। गाइस, ये तो कह रही है कंपनी कि इसे हमें रिप्लेस 3 साल के बाद करना है। आपके पास ये वाला प्रोडक्ट है और आप इसको यूज़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 3 साल में तो नहीं, 4 साल 5 साल हो सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बस आज इस वीडियो में ये दिखाऊंगा कि इसका क्लीनिंग प्रोसेस कैसा रहेगा। तो गाइस, मैं एक चीज़ और बता दूं, कंपनी जो कहती है इसको क्लीन करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहला जो हेपा फिल्टर होता है, हेपा फिल्टर को वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना चाहिए सो दैट कि जो भी डस्ट है वो हवा में ना उड़े। अगर हम इसको एयर फिल्टर को निकाल के थोड़ा झटकाते हैं या क्लीन करते हैं तो उड़े ना, तो इसलिए जो रिकमेंडेड है वो है वैक्यूम क्लीनर। हर किसी के पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होता तो कोई बात नहीं गाइस, मैं उसका भी तरीका आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके। सबसे पहला हेपा फिल्टर को क्लीन करना है वैक्यूम क्लीनर से। दूसरा डिओडोराइजिंग फिल्टर है जिसे कार्बन फिल्टर भी कहते हैं, उसको भी इसी चीज वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना है। तीसरा जो ह्यूमिडिफायर फिल्टर है, उस फिल्टर को हमें वॉश करना है अपने यूटेंसिल के सोप से, या लिक्विड सोप हो गया, जो हार्ड सोप हो गया, उसको उससे क्लीन कर सकते हैं गर्म पानी से। और गर्म पानी गाइस ध्यान रखना 40 डिग्री से ऊपर ना हो, और आप इसको क्लीन करें और क्लीन करने के बाद तीनों फिल्टर्स को धूप में रख दीजिए सो दैट कि जो हेपा फिल्टर की जो स्मेल होगी हमारे एनवायरनमेंट की वो क्लीन हो जाए और जो एक्टिव जो कार्बन फिल्टर है वो भी एक्टिव हो जाए। और जो रही बात थर्ड फिल्टर, उसे हमें बेसिकली सुखाना है, जो ह्यूमिडिफायर फिल्टर है उसे हमें सुखाना है, तो धूप में रख दे 2 घंटे, अपना बढ़िया क्लीन हो जाएगा विदाउट एनी स्मेल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए क्लीनिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर डस्ट कितना है। ये आप देख सकते हो, इसका जो फ्रंट पैनल है इसको अगर हमें ओपन करना है तो हमें ओपन इसको नीचे से थोड़ा सा खींचना है और ऊपर उठा देना हल्का सा, तो ये आपका ये जो फ्लैप है बाहर निकल जाएगा। देन इसको अब आप देखोगे यहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ है, अभी इसे हमें क्लीन करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये कितना गंदा हो रखा है, तो इसको बगैर मैं मतलब यहाँ से नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है, मैं वैक्यूम क्लीनर लेता हूँ और इसको सीधा यहीं से डायरेक्ट मारता हूँ। सो गाइस, ये है वैक्यूम क्लीनर मेरे पास और इसके आगे लगा हुआ है ब्रश, तो ब्रश के साथ मैं इसको चलाऊंगा और इसको इसकी जो डस्ट है इसको रिमूव करूंगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कितना डस्ट है, इसको मैं और प्रॉपर क्लीन करूंगा, क्लीन करने के बाद इसको फिर ओपन करूंगा क्योंकि जो डस्ट है वो ज़्यादा ना फैले, इसमें पहले जितना ऊपर ऊपर है वो आ जाए। तो गाइस, इसको मैं एक बार ब्रश को हटाने के बाद इसको और यहाँ से कर लेता हूँ क्योंकि जो जितनी भी डस्ट होगी वो यहाँ से सक हो जाएगी, तो एक बार इसको मैं यहाँ से हटा के
दोबारा कर लेता हूँ। सो गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ ये चीज़ क्लीन हो चुकी है, तो इसको मैं ओपन कर सकता हूँ कि जिससे कि मेरे को भी डस्ट ना लगे। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी थोड़ा सा डस्ट है। सो गाइस मैंने ये वाला जो कार्बन फिल्टर है वो निकाल लिया है, ये वाला फिल्टर मैंने क्लीन कर दिया है। सबसे पहले मैं और क्या करूँगा, इसको भी थोड़ा सा वैक्यूम मार देता हूँ, जितनी भी अगर डस्ट होगी तो ये निकल जाएगी। सो गाइस डस्ट मैंने अब यहाँ से एक तरह से पूरा क्लीन हो चुका है। लास्ट जो रहेगा मैं इसको गीले कपड़े से साफ करूंगा, क्योंकि सूखा कपड़ा क्या होता है, डस्ट को हटाता है, मतलब डस्ट को थोड़ा सा फैलाता है। एक बार मैं इसको गीले कपड़े से मार देता हूँ, देन उसके बाद इसको एयर फिल्टर को और इससे क्लीन करूंगा। जो कार्बन फिल्टर है वो रह गया हमारा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यह पूरा गंदा हो रखा है, पूरी डस्ट है और बीच में भी डस्ट होगी, तो इसको भी एक बार वैक्यूम से लास्ट में क्लीन कर देंगे। तो गाइस ये आप देख सकते हो, ये मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है, इसमें ये मैंने हाफ थोड़ा गीला किया हुआ है, तो गीला कपड़ा एक बार यहाँ पे मार देते हैं जैसे कि पूरा क्लीन हो जाए, जितनी भी मिट्टी है चिपकी हुई साइड में ये सब क्लीन होने के बाद। गीला का इसलिए मारना है क्योंकि जो डस्ट होती है वो उड़ती है सूखे कपड़े से, गीले में चिपक जाती है, तो बेस्ट ये है कि आप कपड़ा मार दो और यहाँ से क्लीन हो जाएगा। तो गाइस ये मैंने जो कपड़ा थोड़ा सा गीला किया था, अब ये इसको मैंने साफ कर दिया यहाँ से, एक बार थोड़ा और थोड़ा सा डस्ट है और क्लीन कर लेते हैं नीचे से, जिससे कि डस्ट ना उड़े। तो गाइस चलिए बात करते हैं कार्बन फिल्टर के बारे में। तो अब कार्बन जो फिल्टर है वो गंदा हो रखा है, ये मैंने काफ़ी डस्ट इसमें सड़ा दिया, अब हमें लास्ट क्लीन करना है, पूरा तरीके से क्लीन करना है। तो सबसे पहले मैं इसका जो ब्रश है वो वापस से लगाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हो जो ब्रश के अंदर जितना भी डस्ट है वो चिपक गया था, तो वो चिपके रहे। और अब इसके अंदर पहले यहाँ से मैं इसको ब्रश इसको लगा के इसके अंदर क्लीन करता हूँ इसको। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रॉपर मैंने वैक्यूम से क्लीन कर दिया है। सो गाइस अगर मैं फिल्टर के बारे में बात करूं, तो जो इस फिल्टर के अंदर जो फैब्रिक है वो नॉर्मल नेट है, इसमें जो कार्बन वाला कह सकते हैं जो इसका जो फिल्टर का नाम है डिओडोराइजिंग, जिसमें आपकी जो स्मेल है डस्ट है वो इसको भगाता है, मतलब स्मेल को नहीं रोकता है, तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है। और ये तो हो गया क्लीन, इसको अब हमें रखना है धूप में गाइस, और रखना इसको भी है लेकिन इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। सो गाइस ये जो हेपा फिल्टर है, इस हेपा फिल्टर को आप देख सकते हो फ्रंट से मैंने क्लीन कर दिया है, ठीक है, और बैक साइड से देख सकते हो इसमें जो है डस्ट अभी भी थोड़ा होगा। आप चाहे तो इसको बाहर से थोड़ा सा इसको झटका मार के क्लीन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको वैक्यूम से कर रहा हूँ। और जो इस लास्ट में मैं सबसे पहले अगर देखूँ, एक जो गीला कपड़ा है ना ये मार दो, ये और क्लीन हो जाएगा। इसको ज़्यादा गीले कपड़े से ना मारना, गली जाए साइड से इसका, क्योंकि साइड से एक गत्ता टाइप कवर है। तो ये देखो ये हो गया क्लीन, जितना भी डस्ट है इस कपड़े के अंदर आ चुका है। अब यहाँ से कैसे साफ करना है, यहाँ से आपको झटका देके साफ करना है। मैं ट्राई करता हूँ इसमें से थोड़ा सा इसको हटाने के बाद इसको लगाए रहने का, क्योंकि जो ब्रश है वो अंदर चल जाएंगे तो जितना डस्ट हो सकता है वो बाहर निकल जाए।
सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये जो फिल्टर है आगे से पूरा क्लीन हो चुका है, पीछे से मैंने क्लीन करा है। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा ब्रश मार सकते हैं, ऊपर से ब्रश मारने के बाद नीचे से थोड़ा झटका देके ये क्लीन हो जाएगा। और साथ साथ एक गीला कपड़ा, बिल्कुल गीला, हल्का गीला कपड़ा, मतलब पानी वाला कपड़ा नहीं, हल्का सा गीला कपड़ा मार दे जैसे कि और जितना भी डस्ट है इस कपड़े के ऊपर वो चिपक के बाहर निकल जाए। तो गाइस इसमें आप ब्रश जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अपना टूथब्रश ले सकते हैं, नहीं तो एक नॉर्मल सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए जिससे कि जैसे कह सकते हैं वाइट वॉश का जो ब्रश होता है उससे हल्का सा झाड़ दें, वो इससे क्लीन कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हमारे दो फिल्टर जो हैं वो क्लीन हो चुके हैं, इसको हमें धूप में रखना है। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि हमें इसको 2 घंटे धूप में रखें जिससे कि ये एक्टिव जो है जो कार्बन है वो एक्टिव हो जाए और हेपा फिल्टर से जो स्मेल है वो भी बाहर निकल जाए। अब बात करते हैं तीसरे एयर फिल्टर के बारे में। तीसरा एयर फिल्टर कहाँ पर होता है? तीसरा एयर फिल्टर इसका अगर आपके पास ये वाला मॉडल है तो आपको पता ही होगा कि इसका जो ये टैंक है 2.1 लीटर का टैंक आता है, यहाँ से ओपन होता है, उसके बाद इसको यहाँ से हल्का सा स्लाइड करना है और ये आपका जो फिल्टर है बाहर निकल जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ सो दैट मेरे को भी कंफर्टेबल रहे। सो गाइस ये है ह्यूमिडिफायिंग फिल्टर। इस फिल्टर को कैसे ओपन करना है, आपको यहाँ से सीधा निकालना है, ये जो पार्ट है इसके अंदर सारा पानी होता है, जब ये घूमता है तो ये पानी को लेते हुए घूमता है और उसको सर्कुलेट करता है, सारा पानी को ऊपर की तरफ फेंकता है पानी के साथ। तो मैं आपको वो भी अभी दिखाऊंगा खोल के, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा, इस वीडियो में नहीं। इसको रख लेते साइड, और साइड रखने के बाद आपको इसको ओपन करना है, यहाँ से इसको निकालना है यहाँ से बाहर। तो ये जो प्लास्टिक का पार्ट है आप इसको भी क्लीन कर सकते हैं गर्म पानी से आराम से। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पानी के निशान आ चुके हैं, दाग आ चुके हैं वाइट कलर के, तो ये शायद नहीं होंगे, अगर होंगे तो ट्राई कर लेते हैं एक बार, इसमें से भी पानी निकल रहा है अभी। और ये जो फिल्टर है गाइस इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। गाइस अगर मैं इस फिल्टर की बात करूँ ना तो इस फिल्टर में बेसिकली क्या है, ये एक मटेरियल जो है नीचे अंदर फॉर्म है और ऊपर एक नेट है, इसमें से स्मेल आती है क्योंकि जो पानी होता है वो उसके अंदर रहता ही है। हम जब एयर फिल्टर जब चलाते हैं तो ये घूमता है, तो घूमते घूमते गीला तो हमेशा रहता है क्योंकि इस टैंक में ये मान लो कि नीचे पानी इस एरिया में, अगर आप देखोगे इस एरिया में यहाँ पे पानी रहता ही रहता है, तो आपको इसको ख़त्म भी हो जाए ना अगर टैंक से पानी तो यहाँ पे पानी तो फिर भी रहेगा ही रहेगा, यहाँ भी पानी रहेगा। तो ये भी एक तरह से इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ये शायद वाटर को जैसे स्मेल ना आए पानी में ये उसके लिए होता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। और अब इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने के साथ साथ सीधा मैं आपको बताया था मैं इसको क्लीन कर अभी आराम से करूँगा क्योंकि इसमें गर्म पानी चाहिए होगा, हमें सर्फ चाहिए होगा और धूप चाहिए होगी। तो ये जो शूट हो रहा है ये इवनिंग में हो रहा है, तो गाइस इसको धो के गर्म पानी में आराम से साफ पानी में 2-3 बार क्लीन करने के बाद जितना साबुन निकल जाए आपको धूप में सुखा देना है, तो आपका ये एयर प्यूरीफायर क्लीन हो जाएगा। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन जरूर दबाना, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से, मेरा पर्सनल हैंडल है माईसेल्फ सुमित ऑफिशियल के नाम से, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसके डिसमेंटल की आने वाली है, डिसमेंटल में आपको मैं दिखाऊंगा इसके फैन के बारे में, इसके मोटर के बारे में, ये कैसे वर्क करता है, इसके लाइट सेंसर एंड ऑल। तो बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।